हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्यू टैब पढ़ा था, तो व्यू टैब में हमारा कुछ और ऑप्शन है, कुछ और कमांड से जो रह गया था, और जो बहुत ही मेजर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड से जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो। तो आज हम लोग मैक्रो कवर करेंगे, व्हाट इज़ मैक्रो, एंड साथ ही साथ वर्कबुक व्यू उसमें होता है। जैसे कि आप व्यू टैब में जाएंगे तो एक वर्कबुक व्यू होता है, वो क्या होता है। ओके, रिव्यू टैब में फिर हम लोग प्रोटेक्ट शीट, हालांकि प्रोटेक्ट शीट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक और शीट में क्या फ़र्क होता है ये समझेंगे, एंड कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कैसे डालते हैं, कमेंट्स कैसे डिलीट करते हैं, और सब टोटल क्या होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट यानी मैक्रो और डेटा टैब में सब टोटल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम लोग को रेगुलरली यूज़ में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं काम पड़ेंगे आपको, और ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है, अपने काम को आसान कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में अगर सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो की, नो व्हाट इज़ मैक्रो। अब देखो, मैक्रो के बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना इस पॉइंट पे, यहाँ देखो एक वर्ड आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, सो रिकॉर्डिंग का काम होता है, वी कैन रिकॉर्ड एनी थिंग, एनी एक्शन, एनी टेक्स्ट, एनी फॉर्मेट्स, वी कैन रिकॉर्ड एनी थिंग, और फिर उसको एक शॉर्टकट की अलॉट कर सकते हैं, और उस शॉर्टकट की के ज़रिए उस फॉर्मेटिंग को या फिर कह लो उस एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसको कभी भी हम देख सकते हैं, कभी भी हम उसको फिर से ले आ सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं बार बार जब किसी एग्जांपल को आपको समझाता हूँ तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो क्यों ना उस टेबल को हम रिकॉर्ड कर लें। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा, यहाँ से मैं अपना टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ, हमेशा A1 से। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको टेबल के कंटेंट्स दिखें, और फिर मैं यहाँ पे देखो मैक्रो, पहले तो मैं मैक्रो ऑन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे होता है रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पे आता है मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपना नाम दे सकता हूँ, वरना मैक्रो 2 भी रहने दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी शॉर्टकट की क्या देना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी शॉर्टकट की दीजिएगा जो पहले से ना अलॉट हो सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, तो प्लीज़ सी का यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरह इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उन शॉर्टकट कीज़ का आप यूज़ मत करिएगा यहाँ पे, जो शॉर्टकट की ऑलरेडी किसी काम के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने कंट्रोल के साथ क्यू यूज़ कर लिया, क्या यूज़ किया, क्यू। आई थिंक कंट्रोल क्यू कभी यूज़ तो किया नहीं हो। ओके, दिस वर्कबुक के लिए अलॉट कर रहे हो ये मैक्रो बना रहे हो, कि न्यू वर्कबुक के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। अभी तो मैं दिस वर्कबुक के लिए से बना रहा हूँ, इस वर्कबुक में मुझे काम पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कि हम लोग एक डिफ़ॉल्ट टेबल बना रहे हैं, टेबल, दैट्स इट। ये अपने लिए डिटेल्स के लिए बना सकते हो, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, अगर तुम इसे देखना चाहते हो यहाँ से देख लो, देखो अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, कि भाई जब काम कम्प्लीट हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्या, एम्प्लॉई, याद होगा आपको, मैं बार बार यहाँ एल्ट एंटर करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय कोड, है ना। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ बेसिक, ठीक है ना। तो ये मैंने कोड बनाया, E001, E002, और फिर इन दोनों को पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है, 10 तक, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए, अमित, मोहन, रवि, अरे कोई नहीं, रवि, जय, वीरू, है ना, महेश, ठीक है ना, बाहुबली, भल्लाल देव, ठीक है ना, ठीक है ना, अमोल पालेकर, ठीक है, राजेश खन्ना, ठीक है, जो भी, ये तो मैंने नाम लिख दिया सपोज करिए। अब फिर डिपार्टमेंट मैंने डिफाइन कर दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और एक HR डिपार्टमेंट ऐसे बनाया मैंने, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया।
ये दोनों हटा देता हूँ। अब इसके बाद इनके बेसिक डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ सैलरी मैंने डिफाइन कर दी। ठीक, बस इतना काफ़ी, इतना ही टेबल मेरे को बार बार बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना इस टेबल को थोड़ा डिज़ाइन भी कर दूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग कर दूँ, बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर ऑल बॉर्डर, फिर चारों तरफ थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, हेडिंग है क्योंकि, और कलर थोड़ा सा फिल कर देता हूँ। फॉन्ट का कलर मैं कर देता हूँ डार्क रेड। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए। हो गया, इनका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ा शेड डाल देता हूँ, शेड कोई लाइट शेड डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बना दिया। मैं ये टेबल मेरे को बार बार बनाना पड़ता है। मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, तो व्यू में जाता हूँ, मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये जितना भी मैंने काम किया है, ये सारा एक्शन इंक्लूडिंग द फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग द टाइपिंग इंक्लूडिंग कुछ भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा क्या हो गया। और देखो, मैंने लास्ट में कर्सर यहाँ रख के मैं गया था। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब देखो, मैं एक नया शीट में बनाता हूँ, मेरे को सेम टेबल बनाना है, मेरे को बस कंट्रोल क्यू दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल क्यू। तो ये टेबल बन के तैयार हो गया। अब मेरे को बार बार चीज़ों को टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोड कहाँ गया? कोड खा गया क्या? चलिए अच्छा, ठीक है, वो लग रहा है रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक, नहीं नहीं है, चलिए ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू हो गया, लेकिन आप लोग समझ में आया ना रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। जितना भी देखो एक्शन अभी सामने आपके जल्दी जल्दी हुआ है, क्विकली हुआ है ना, तो दैट मीन्स वो सारा एक्शन क्या हो गया है? रिकॉर्ड हो गया। तो आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, फॉर्मेटिंग करके रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो जैसे ही शॉर्टकट की यूज़ करोगे, वो क्या हो जाएगा? वो चीज़ आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना टेबल बना के या कुछ भी बना के, कोई भी चीज़ हमें बार बार करनी पड़ती है और हम चाहते हैं वो यार वो कोई कोई शॉर्टकट की, काश कोई शॉर्टकट की होता मेरे हाथ में, तो बिल्कुल आप अपना शॉर्टकट की खुद बना सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नहीं नहीं बस कंट्रोल सी यू नहीं करना, बस कंट्रोल क्यू सीधे दबा। देखो ना, मैंने नया शीट मैंने खोला, अब मेरे को वही टेबल फिर डिज़ाइन करना है, मेरे को बनाने से कंट्रोल क्यू मैं दबाती है, वो सब सामने हो रहा है आपके। अच्छा, एम्प्लॉय कोड देखो, उठ के यहाँ आ गया, क्या बदतमीज है, यहाँ पेस्ट हो जाओ भाई, समझ गए, इसको रेड कर लो। चलो, इतना थोड़ा सा इशू हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप लोग ठीक से रिकॉर्ड करिएगा। तो मैक्रो बहुत सिंपल है, आप कुछ भी मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड मैक्रो फिर करोगे अब क्या आएगा, थर्ड मैक्रो क्या रिकॉर्ड करना चाहते हो। ठीक है, और अगर सपोज करो ये रिकॉर्ड अब जो किए हो, अभी इसको बंद करना है, बार बार कंट्रोल क्यों कभी भी दबा दे रहे फटक से, अब हमें चेंज उसे हटा देना, रिमूव करना है, तो यहाँ पर मैक्रो में जाना, व्यू टैब में मैक्रो में जाना, यही देखो मैक्रो था तुम्हारा, अब इसको तुम क्या करोगे, एडिट तो करना नहीं हमें, सीधे क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया, तो ये मैक्रो डिलीट हो गया। अब मैं कंट्रोल क्यों दबाऊंगा तो कुछ नहीं होना। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, रिकॉर्ड करने भी आना चाहिए, मैक्रो रिकॉर्ड को डिलीट करने भी आना चाहिए। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा मैक्रो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैक्रो में बहुत कुछ करते हैं। ठीक है ना, आज बस अभी हल्का व्यू देखो कि मैक्रो से सिंपली हम ये काम करते हैं। मैक्रो के ज़रिए बटन्स भी बनाए जाते हैं, मैक्रो के ज़रिए बहुत सारे काम होते हैं, बट वो धीरे धीरे आप सीखेंगे, फिलहाल आप नॉर्मल वर्क सीखिए। अब सॉल्व होता है वर्कबुक व्यू क्या होता है। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे एक शीट में लेके आता हूँ, ये मेरी शीट है। ठीक है, अब इसका व्यू मुझे कैसे देखना है, जाहिर सी बात है, अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, नॉर्मल व्यू दिख रहा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही पेज आपको दिखेगा जितने पे आपने टाइप कर रखा है, जो फालतू
जो मतलब एक्स्ट्रा शीट्स होती थी ना यहाँ पे खाली, अब वो हमें नहीं दिख रही है। और हमें यहाँ दिख भी रहा है कौन से, ये जब प्रिंट निकालेंगे ना पेज वन में प्रिंट यहाँ तक होगा, ठीक है, और पेज टू पे प्रिंट अगला होगा, समझ, इस तरीके से मुझे दिखा रहा है, क्लियर। तो जब कभी आप कभी कभी शीट आप ओपन करते हो ना, किसी किसी की शीट ऐसी खुलती है तो तुम सोचते हो यार बाकी का क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर जी ये जब भी प्रीव्यू तुम्हें दिख जाए, ये ब्लू लाइन जब दिख जाए, समझ जाना ये कौन सा है, पेज ब्रीफ प्रीव्यू है। आप इसको नॉर्मल व्यू में क्लिक कर देना तो खटाक से सब नॉर्मल आ जाएगा। और कई बार होता है कि आप पेज लेआउट, हम अब पेज लेआउट, अब ये पेज जैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से ना, इंचेस दिख रहे हैं वर्ड में जैसे दिखता है, तो ये हेड ये आपका पेज की तरह आ गया, ये एक पेज हो गया, ये नेक्स्ट है ना, इसके नीचे पेज है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हैं, खैर वो सब तो बाद में देखेंगे, नॉर्मल व्यू पहले क्लिक कर देते हैं। नॉर्मल व्यू तो कितने व्यू है आप लोग समझ रहे हो, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, हम लोग को नॉर्मल व्यू में रखना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, व्यू टैब हम लोगों ने क्लियर कर लिया, व्यू टैब में लगभग सारे ऑप्शन हमने टच किए। अब देखते हैं यहाँ पे रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक प्रोटेक्ट शीट है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर शीट वन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे पूछता है पासवर्ड, तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाला, इंटर किया, मैंने फिर से 1 2 3 डाला, इंटर किया। अब इससे होता क्या है, ये शीट पूरी प्रोटेक्ट हो गई, अब शीट पे कहीं कोई कुछ भी टाइप नहीं कर सकता है, ठीक है ना, हमारा जो भी डेटा है वो कहीं मैनेज मतलब चेंज नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली हम किसी को अगर फाइल भेजना चाहते हैं और हमें इस चीज़ का खतरा हो कि सामने वाला कहीं चेंज ना कर दे, तो हम अपने शीट को प्रोटेक्ट करके उसे भेजेंगे, ठीक है। अब इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता है इसी अनप्रोटेक्ट पे जाना है, 1 2 3। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जाते हैं किसी और शीट पे, अगर जाते हैं यहाँ चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने शीट प्रोटेक्ट सिर्फ शीट वन को किया था, तो वो जो प्रोटेक्शन काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा है, शीट वन पे कर रहा है। तो जितने शीट्स को प्रोटेक्ट ना, हर शीट पे जाके आपको प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3, ओके। अब सवाल उठता है सर वर्क, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पहले करते हैं, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, मैंने रिपीट पासवर्ड, वो पूछ रहा है हमसे कि पासवर्ड आप दीजिए, तो हमने पासवर्ड दे दिया, जो हमने प्रोटेक्ट पास अपनी तरफ से दिया, कुछ भी 1 2 3, हाँ कन्फर्म करता है। अब देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक जो हमने क्लिक किया, अब इसे होता क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत आएगी, बस ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक में देखिए कितनी फाइलें हैं, जितनी फाइलें अब इसमें देखो कोई ऐड नहीं कर सकते, आप देखो ऐड का बटन, अब हाईलाइट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ बट होएगा ही नहीं, और इस किसी भी इस शीट को, इस वर्कबुक के अंदर किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, सब के सब बटन गायब है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, है ना। वर्कबुक में कोई चेंजेस नहीं होता, शीट के अंदर चेंजेस होते, वर्कबुक में नहीं कोई चेंजेस होता, ना कोई शीट ऐड हो सकती है, ना कोई शीट डिलीट हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 करके मैंने वापस पासवर्ड इसमें खत्म किया। तो प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या फर्क होता है, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी इस पे रखते ही इसके बारे में दिखाता भी, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, और इसमें भी देखो पढ़ भी सकते हो, कीप अदर फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग, एडिंग शीट्स, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये सब नंबर वाइज नहीं हो रखा है, तो मैं इसको पहले तो नंबर वाइज कर लेता हूँ, A to Z कर लिया जाए, ओके okay, अब हो गया 1 2 3 4। अब इसके बाद अगर सपोज करें किसी चीज़ के ऊपर, अब ब्रोकली कई लोग नहीं जानते हैं, तो ब्रोकली के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं, कुछ और भी कुछ मेंशन करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करके, यहाँ पे इंसर्ट होता है, और इसी में नीचे भी देखो इंसर्ट होता है, इस इंसर्ट से क्या होता है, रो इंसर्ट होती है, रो या कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्ट होता है दैट इज इंसर्ट कमेंट, तो कमेंट हमने इंसर्ट कर देना है। अब इस ब्रोकली के बारे में कुछ लिखना है तो लिख ले, आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला इट्स कलर इज ग्रीन, ठीक है ना, दैट्स इट। अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया, अब क्या ये रेड कमेंट है, मतलब जो चीज़ हम नहीं चाहते शीट पे प्रिंट हो बट मेरी जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो मैंने इसको यहाँ पे जैसे मैं कर्सर रखता हूँ यहाँ पे लिख देता इट्स कलर इज ग्रीन, ओके।
तो इस तरीके से कमेंट है, कमेंट का काम होता है कई बार, तो इस तरह से कमेंट हम ऐड कर लेते हैं। तो कमेंट हम किसको ऐड करते हैं, विच वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रिंट एंड विच वी डू नॉट वॉन्ट टू शो इन दिस डेटाबेस, यहाँ पे दिखे ना लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है उसे जानना। तो जैसे वहाँ पे देखेंगे कमेंट, उसके ऊपर रखेंगे तो ये कलर बता रहे, इट्स ग्रीन, इट्स कलर इज ग्रीन, है ना। अब यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इन सब के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर इफ़ यू वांट टू गिव द कमेंट्स तो कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में हम लोग अगर कुछ कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो रिव्यू में जाके यहाँ पे भी न्यू कमेंट, यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट हम रिव्यू से भी जाके हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ भी डाल दिया, जस्ट लाइक ऑल द सेल्समैन आर US resident, ठीक है ना। तो US residents हैं, है ना, जितने भी US में हमारे सेल्समैन है सारे के सारे US के रेजिडेंट है, कोई यहाँ का बंदा नहीं है, बात समझे। कुछ भी इसके इस तरह से कुछ भी चीज़ें रखना चाहते हैं लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, ठीक। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से रिव्यू टैब में आपको कमेंट सेक्शन भी क्लियर हो गया, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी क्लियर हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग आते हैं किसके ऊपर, अब डेटा पे आते हैं। आज आप देख रहे होंगे मैं लाइन से कई मिक्सअप टैब पढ़ा रहा हूँ, व्यू टैब में कुछ ऑप्शन देखें, कुछ रिव्यू में देखें, आज देखें डेटा में। डेटा में हम लोग ने ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया था। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक होता है सब टोटल, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये ना। सब टोटल का क्या यूज़ है ज़रा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, सबको पता है। अब मैं यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर लेता हूँ, ए टू जेड कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो एप्पल पहले आ गया, सही है, सारे एप्पल्स का डिटेल आ गया, बनाना का डिटेल आ गया, सबका आ गया। अब मैं चाहता हूँ ना यहीं पे सब टोटलिंग कर लूँ, एप्पल का अलग हो जाए टोटल, एप्पल जैसे लाइन से एप्पल है ना, अब एप्पल की डिटेल यहीं पे नीचे टोटल आ जाए, कितना टोटल एप्पल पे का, बनाना लाइन से आए बनाना के नीचे बनाना का टोटल आ जाए, समझ रहे हो। तो अलग अलग बनाना का टोटल, बीन्स के नीचे बीन्स का टोटल आ जाए, तो ऐसा कैसे होगा। तो मैं देखो कर्सर कहीं भी रखूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सब टोटल पे जाता हूँ और सब टोटल बड़ा होशियार है, अपने आप देखो सेलेक्ट कर लेता है पूरी टेबल को, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया ना उसने। अब कहता है सर जी एक चीज़ बताइए, आपको किस बेसिस पे आपको फिल्टरिंग करना है, सब टोटल किस बेसिस पे करना है। तो हमें प्रोडक्ट वाइज टोटल करना है, कैसे करना है, प्रोडक्ट वाइज। कौन सा फंक्शन चलाना चाहते हैं, काउंट की सम, अगर हम काउंट फंक्शन चलाएंगे तो काउंट करके बता देगा कितना सेल हुआ है, कितनी बार सेल हुआ है, बट हमें सम करना है, सम करना है, ठीक है ना। सम किस चीज़ का करना है, कंट्री का, कंट्री का तो सम हो ही नहीं सकता, कंट्री को कैसे जोड़ेगा। तो हमें किसको जोड़ना है, हमें सेल्स वैल्यू को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, सेल वैल्यू को, ओके कर। अब देखिए फ्रूट्स, अगर हम यहाँ नीचे देखेंगे एप्पल के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो एप्पल टोटल दे रखा है, ठीक है ना। बनाना, अब देखिए बनाना का टोटल नीचे दे दिया होगा, बनाना टोटल सही है, बीन्स टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ब्रोकली टोटल ये सब दे रखा है कि नहीं है। तो सबने उसने ग्रुपिंग कर लिया, लेकिन उसके लिए देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नेम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए थे। तो मैंने देखिए पहले उसे अरेंज किया, पहले एप्पल को लाइन से कर दिया है ना, अल्फाबेटिकली मैंने सारे फ्रूट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, उसके बाद मैंने ये काम किया। अब इसे बंद करना है, सब टोटल में जाइए, अब यहाँ से सेल्स हटा लीजिए, है ना, ये सब हटाने, ये या हटाने उठाने से अच्छा, मेहनत करने से अच्छा ये सबसे अच्छा बटन होता है क्या, रिमूव ऑल। तो रिमूव ऑल कर देंगे तो सब टोटल हट जाएगा। अगर हमें यही चीज़ फ्रूट और वेजिटेबल जैसे करना था, क्या करना था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर इस तरह से टेबल करनी थी, इस तरह से अगर करनी है, अब देखो लाइन से फ्रूट है, उसके नीचे वेज, फिर फ्रूट्स आ गया। अब तुम क्या करना, पहले तो इनको फिल्टर कर लेना, मैं इसको पहले हटाता हूँ, ठीक है ना। ये फिल्टरिंग यहाँ से चनी रिमूव नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, अच्छा ये करने से अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वन टू असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री हो गया, सही है। अब जो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी को अरेंज कर लेते हैं,
सही है। कैटेगरी पहले अरेंज कर लेते हैं ए टू जेड। अब पहले फ्रूट्स हो गया होगा, फिर वेजिटेबल आया होगा। अब हम लोग यहीं पे देखो सेलेक्टेड हैं और सब टोटल पे क्लिक करते हैं। कहता है कि कैसे करना है तुम्हें, हम कहते हैं सर कैटेगरी वाइज सम कर दो। कैसे कर दो? सम करना है, क्या फंक्शन चलाना है, तो हम बोलते हैं सम फंक्शन चलाना है। किसको टोटल करना है? हम कहते हैं सेल्स वैल्यू को। अब अगर तुम नीचे जाके देखोगे तो फ्रूट्स का टोटल कर दिया है ना, 6,31,635। ओके, फिर पेज डाउन डाउन हो जाओगे तो वेजिटेबल को अलग टोटल करेगा, फिर दोनों का ग्रैंड टोटल भी कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? ग्रैंड टोटल भी कर दिया। नहीं समझे? तो कहने का मतलब है क्या, एक्सेल में ये सारे फीचर्स हैं। सब टोटल भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 मिनट में अलग अलग कैटेगरीज को सम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंपनीज, मान लो आपके मोबाइल की कंपनी है, हमारी तो मोबाइल की कंपनी है, तो हमने कई तरह के सिम इशू कर रखे। वीआईपी सिम्स होते हैं, नॉर्मल सिम्स होते हैं, तो वीआईपी सिम्स का टोटल करना है, इसका टोटल करना है, सब देखना है, काउंट कितने सिम हमने इशू कर दिए, काउंट। तो उस समय काउंट फंक्शन चलाना, सम फंक्शन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेरे पास 2 तरह के कस्टमर होते हैं, प्रीपेड कस्टमर और पोस्टपेड कस्टमर। हमें देखना है टोटल पोस्टपेड का कितना अमाउंट, हम कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना हमारा प्रीपेड से कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो फटाक से देख सकते हैं दोनों कैटेगरी होनी चाहिए पोस्टपेड एंड प्रीपेड नंबर्स की। सही कि नहीं सही है? अलग अलग जगह पे अलग अलग। अब हमें को कोर्सेज का देखना है, मान लो मेरा स्कूल चलता है किस बैच से कितना, फटाक से हम लोग सब टोटल चला सकते हैं। बस बैचेस यहाँ डिफाइन होने चाहिए, क्लियर। और सब टोटल खत्म करने का भी मैंने देखो तरीका आपको बताया, कोई भी चीज़ को लगाने और उसे रिमूव करने दोनों का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैं वापस सब टोटल पे गया, कर्सर टेबल में कहीं भी रखना, और यहाँ से बस एक क्या करना है, रिमूव ऑल, ठीक है, रिमूव ऑल कर देना, तो यहाँ से ही सारा ग्रुप हट जाएगा। मैं कंट्रोल वाई दबाता हूँ, ये चलो ठीक, कंट्रोल जेड सॉरी नहीं होगा, कंट्रोल जेड और नहीं चलेगा क्योंकि आपने रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो मेरे ख्याल से आज के जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में आए होंगे। हमने देखो कौन कौन से टॉपिक क्लियर किया, हमने मैक्रो दैट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, वर्कबुक व्यू भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। खासकर उसमें प्रिंट लेआउट बहुत सही था, प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है, किसका यूज करना चाहिए हमें, कमेंट्स कैसे लाते हैं, कमेंट्स कैसे डिलीट करते हैं, एंड सब टोटल। तो ये टॉपिक आज हम लोग ने क्लियर कर लिया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना भले भूल जाइए लेकिन शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।